दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा अद्भुत आविष्कार किया है जिससे भविष्य में मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और इसका उपयोग भारत में भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आप यहां पर तस्वीरों को देखिए, यहां पर मरे हुए लोगों को जिंदा करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया को क्रायोनिक्स कहते हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें कितना रुपया लगता है और इसका प्रचलन भारत में और अन्य देशों में लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है? सबसे पहले इसमें ये बता दूं कि इसमें जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्रायोनिक्स में उसे रख दिया जाता है और उस समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक ये जिंदा ना हो जाए। कब कैसे ये काम करता है क्रायोनिक्स, क्या प्रक्रिया है इस क्रायोनिक्स की, आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है या नहीं समझ में आ रही है तो अभी गूगल पे जाइए, क्रायोनिक्स सर्च करिएगा, हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कितना पैसा लगता है इस प्रक्रिया में वो भी आपको पता चल जाएगा। भारत में एक केस है, सुब्रत बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। ये अपनी मां को बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन्होंने क्रायोनिक्स अपनी मां का करा लिया है कि भविष्य में इनकी मां जिंदा हो जाएंगी। क्रायोनिक्स क्या है? क्रायोनिक्स एक ऐसी विशेष प्रकार की फ्रिज है। क्रायोनिक्स का ये मानना है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है बल्कि व्यक्ति सोने चला जाता है, स्लीप में चला जाता है, व्यक्ति बेहोश होता है और भविष्य में टेक्नोलॉजी जब बढ़ते चली जाएगी तो हम उसे जिंदा कर लेंगे। क्रायोनिक्स ये कहता है कि अब से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान चांद पर जाएगा और वहां पर झंडे गाड़ के आएगा, लेकिन आज विज्ञान आगे बढ़ चुका है और इस पर काम भी कर रहा है और लगातार देशों के लोग चांद पर जा रहे हैं। क्रायोनिक्स ये कहता है कि अब से 50 साल पहले CPR नाम की कोई पद्धति नहीं थी, लोगों की मृत्यु ऐसे भी हो जाती थी, लेकिन अब CPR की मदद से लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है। CPR जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब व्यक्ति की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट अटैक से होती है तो उसके मुंह में लगातार पंप दिया जाता है, अपने मुंह से फूंका जाता है और भी तमाम देने के तरीके हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाती है। यह भी नई टेक्निक है, इसकी वजह से लोगों की जान बच रही है। इसीलिए क्रायोनिक्स ये कहता है कि यह प्रक्रिया ऐसी है जिसकी वजह से आपकी जान भविष्य में टेक्नोलॉजी जिस पर बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं आते ही आपकी जान बच जाएगी। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे काम करता है आपको आगे बताता हूं। तो इसको देर न करते हुए समझिए कि यह टेक्नोलॉजी है और विज्ञान है, किस प्रकार से विज्ञान काम कर रहा है उस पे काम करते हैं। कब से हुई क्रायोनिक्स की शुरुआत, पहले आपको शुरुआत बता देता हूं, इतना अभी नहीं हुई है, 2 दिन पहले। कब शुरुआत हुई है मैं बता देता हूं। इस टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही है। इस पर जो संस्था काम कर रही है उस संस्था को समझिए, इस पे स्पेस वर्क एंटरप्राइजेज काम कर रहा है और NASA दोनों मिलकर काम कर रहे हैं मनुष्य को दोबारा जिंदा करने के लिए। और इसमें इन दोनों संस्थाओं को इसी स्टैटिक चैम्बर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें क्रायोस्लिप को हकीकत बनाया जा सके, जो लोग सो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको दोबारा जिंदा किया जाके। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और जिसको सबसे पहले क्रायोस्लिप में भेजा गया था उनका नाम था जेम्स बेडफोर्ड। और अब तक दुनिया में हजारों लोगों ने, आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आप, हजारों लोगों ने अपने आप को क्रायोनिक्स करवाया है। इस प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इस प्रक्रिया पे 2 बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वो मैं आपको बताया, NASA जैसी कंपनी का नाम इससे जुड़ा हुआ है वो बताया। कैसे काम करता है ये सिस्टम, अब आप ये समझ रहे होंगे इतने देर से मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, तो चलिए आपको बता देता हूं। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा होती है क्रायोनिक्स करवाने की या उसके परिवार उसका बेहद प्यार करता है तो उसके शरीर को सबसे पहले क्रायोनिक्स कराने वाली कंपनी से संपर्क किया जाता है। क्रायोनिक्स की प्रक्रियाएं तब से शुरू होती हैं जब व्यक्ति को डॉक्टर और कानून पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दे कि अब इसमें जान नहीं बची है, तब क्रायोनिक्स शुरू होता है। उसके बाद से सबसे पहले व्यक्ति के शरीर को -196 से -320.8 पर एक विशेष फ्रिज में रखा जाता है। इस सिलेंडर नुमा फ्रिज में व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है, ये तस्वीर सीधी है, व्यक्ति को उल्टा
लटका दिया जाता है, और क्योंकि और उल्टा लटकाने के बाद इनके दिमाग में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, ब्लड की सप्लाई दिमाग में लगातार जारी रखी जाती है, शरीर की कोशिकाओं से पानी निकाल दिया जाता है और उसमें क्रिस्रोल नाम का एक केमिकल डाल दिया जाता है। ये केमिकल बिल्कुल खून की तरह ही होता है और जिस कंटेनर में आदमी को रखा जाता है वो पूरा नाइट्रोजन से भरा रहता है। आप यहां देखिए, सामने देखिए, और इसके आगे क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रक्रिया मुझे समझा दी, अब खर्च क्या आता है। अब ये देखिए, सीओ है और इस कंपनी का नाम है एल्कोर, जो 1967 से क्रायोनिक्स कर रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे इसमें सब में आदमी डाले गए हैं और रखे गए हैं, और ये पता नहीं कब के रखे गए हैं, ये इन्हें भी नहीं पता होगा, शायद यहां डेट वेट लिखा होगा। कितना खर्च आता है देखिए, इसको इस कंपनी को जो क्रायोनिक्स करती है उसका नाम है एल्कोर, और एल्कोर और इसके सीईओ हैं मैक्स मोर। ये कहते हैं कि हम जो पेशकश कर रहे हैं वह वापस आने में केवल एक मौका भर है और अनंत जीवन का मौका है। यह 100 साल का भी हो सकता है या फिर 1000 साल का भी हो सकता है। इस प्रक्रिया के लिए पूरे शरीर का भी संरक्षण नहीं आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ दिमाग से वापसी हो सकती है तो आप दिमाग से कर सकते हैं। छोटे बच्चों के, जो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, उनका भी क्रायोनिक्स लोग करवा लेते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी संस्कृति आई तो बच्चों को दोबारा जिंदा कर लिया जाएगा। और मानव यहां तक कि अपना स्पर्म भी कराता है, अंडज को संरक्षण भी कराता है, और पूरे शरीर को संरक्षण कराने में 2 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया। और अगर थोड़े से भाग को आपको संरक्षित कराना है, शरीर के किसी एक विशेष अंग को संरक्षित कराना है, तो उसका खर्च $80,000 आता है। तो ये हो गया खर्चा। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके आप क्रायोनिक्स किसी का भी, अपने चहेते का भी करवा सकते हैं और उसे संरक्षित रख सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिस पे लगातार साइंस काम कर रहा है, विज्ञान काम कर रहा है, जिससे व्यक्ति का जीवन वापस लाया जा सकता है, तो इस प्रक्रिया में आपका जो क्रायोनिक्स कराया हुआ शरीर रहेगा वो दोबारा जिंदा हो सकता है। अब इसके उदाहरण जो विज्ञान देता है वो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। यह उदाहरण जेम्स स्मिथ का है। जेम्स स्मिथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला एक लड़का था, और वो बर्फ खेलने चला जाता है, और जब खेलने जाता है तो बर्फ में दब जाता है, 9-10 घंटे तक दबा रहता है, कोई उसके पास नहीं पहुंचता है। उसके परिवार वाले जब उसे खोजने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरा लड़का दब चुका है, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, पूरा शरीर बर्फ में कड़ा हो जाता है, एकदम जैसे आप देखते ही होंगे बर्फ में जब व्यक्ति को डाल दिया जाता है उसकी हालत कैसी हो जाती है। तो उस कड़े शरीर को लेकर हॉस्पिटल लाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं ये मर चुका है, अब का इलाज नहीं होगा, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। लेकिन परिवार का मोह वो अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर की टीम ये सलाह करती है कि उसे ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां पर ECMO की सुविधा हो। एक ऐसी मशीन है जो खून को गर्म करती है, रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, और इस मशीन के बीच में ले जाया जाता है। ये मशीन शरीर में मौजूद को गर्म कर देती है और दोबारा बॉडी को पंप करने में सहायता करती है। और ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति मरा रहता है उस मशीन की वजह से वो जिंदा हो जाता है, और आज जेम्स स्मिथ दुनिया में जिंदा है। यानी दिमाग उस समय तक उनका काम कर रहा था, और दिमाग जब काम करना शुरू कर दिया तो दिमाग ने पूरे शरीर को इशारा करना शुरू कर दिया, संदेश देना शुरू कर दिया, और उसके बाद से शरीर जिंदा हो गया। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं, एक और रिसर्च है, वो है, ये रिसर्च सुअर पे किया गया था, सुअर यानी पिग, और इस पर रिसर्च किया गया था, 32 सुअरों पर ये रिसर्च किया गया था। मीट के लिए काटते के बाद सुअर के दिमाग को अलग कर लिया गया और उसे 4 घंटे तक रख दिया गया, ऐसे ही बाहर रख दिया गया 4 घंटे तक, और उसके बाद से सुअर के दिमाग में खून जैसा एक रक्त प्रवाह प्रसारित किया गया, उसके अंदर डाला गया। उसके बाद से देखा गया कि 4 घंटे उसके मीट कट जाने के, बन जाने के बाद उसका जो दिमाग किनारे संरक्षित किया गया था उसमें खून जैसा तरल पदार्थ डालने के बाद सुअर के दिमाग में एक्टिविटी हुई और एक्टिव हुआ, वो दिमाग फिर से काम करना शुरू कर दिया गया। ये सारे रिसर्च जो है वो क्रायोनिक्स को बल देते हैं, और भविष्य में ये आशा रखते हैं कि भविष्य विज्ञान इतना विकसित कर लेगा कि वो भविष्य में मरे हुए इंसानों को दोबारा
जिंदा करना शुरू कर देगा। ये सोच सिर्फ अमेरिका की नहीं है, रूस की नहीं है, भारत की नहीं है, हजारों लाखों वर्ष पुराने मिस्र की भी सभ्यता है। कई देशों में ममी बनने की सभ्यता थी, कई पिक्चर भी आप देखते होंगे जिसमें ममी का प्रावधान था। ये लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में कोई ऐसा युग आएगा, कोई ऐसा विज्ञान आएगा जिसमें मरे हुए व्यक्तियों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और दोबारा उन्हें उसी तरह से अपने काम धाम में सुचारू किया जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसा भविष्य में कभी संभव है या नहीं है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।